जब प्रकाश किरण वायु से, कहाँ से मेरे भाई, एयर से कहाँ जाती है, कांच में जाता है। ये कांच का एक टुकड़ा मान लिए हम लोग ग्लास, क्या मेरे भाई, ग्लास। कि यहाँ से एक प्रकाश किरण इसमें एंट्री करेगा, सीधे तो जाएगा नहीं, किधर जाएगा, हल्का सा झुक के जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर रेयर है, रेयर बोले तो विरल है, इधर विरल है और इधर क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। तो ये झुक के जाएगा, ऐसे झुक के जाएगा, तो इनमें से कह रहा है चाल क्या हो जाएगी मेरे भाई, चाल तो बदल जाएगी, चाल बदल जाएगी, जो चाल इसमें रहेगा इसमें नहीं रहेगा, क्या होगा, चाल घट जाती है, याद रखिएगा, चाल घट जाएगा। और जो तरंग दर्द है वो भी घट जाएगी, बट आवृत्ति, आवृत्ति एक ऐसा राशि है जो नहीं बदलती है। कब? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। इस बात को याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को कई बार कई तरीके से पूछता है, कई बार पूछा है और कई तरीके से पूछता है। इसके ऑप्शन की बात करें तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा, कहाँ से कहाँ जा रहा है, विरल से सघन में जा रहा है, विरल से सघन में जा रहा है मेरे भाई। तब क्या होगा, चाल घट जाएगा, आवृत्ति वही रहेगी, तरंग दर्द बढ़ जाएगा। क्या है, कह रहा है 6 डायोप्टर और माइनस में 1 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों को एक साथ जोड़कर रखा जाए तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पूछा है। मेरे भाई कह रहा है एक है, देखिए प्लस में दिया है ना, प्लस में किसकी क्षमता होती है, प्लस में किसकी क्षमता होती है, उत्तल लेंस की। तो हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस बना के रख दिए मेरे भाई। अब ये देखिए माइनस में दिया, ये अवतल लेंस है, क्या है, अवतल लेंस, अवतल लेंस को भी इसी में सटा के ऐसे रख दिया गया है, क्या कर दिया गया है, सटा के रख दिया गया। तो ये जो कम्बिनेशन बना है ना, इसी का हमको फोकस दूरी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसी का फोकस दूरी। तो ये कितने का है, देखो जो जब हम दो लेंस को इसे सटा कर रख देंगे तो इसकी जो कंबाइंड यानी कि संयुक्त क्षमता होगी वो होता है P बराबर जितने भी लेंस रहेंगे सबकी क्षमता आपस में जोड़ देंगे। बशर्ते याद रखिएगा जो अवतल लेंस होता है उसकी जो क्षमता होती है निगेटिव होती है, क्या होती है, निगेटिव होगा। P1 को हम इतना लेते हैं 6 डायोप्टर, जितना भी रहेगा मेरे भाई सब इसी में जोड़ देंगे, 6 हो गया और इसका माइनस में 1। तो फाइनली जो इस कम्बिनेशन का यानी कि संयोजन का जो फोकस क्षमता आने वाला है वो कितना है, 5 डायोप्टर। कितना आ गया, 5 डायोप्टर। फोकस दूरी निकालनी है तो F बराबर होता है 100/P। F बराबर निकाल देंगे, 100 को 100, P का मान 5 आया है, काटेंगे तो 20 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा मेरे भाई। कितना, 20 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में आ रहा है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि जो कम्बिनेशन है ना उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। मेरे भाई देखो ना ये क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, प्लस ये बताता है ये कैसा काम करेगा, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा।